अब ये पहले पानी पियेंगे इसका, बाद में इसका दाना खाएंगे और स्पीड चेक करें यहाँ पे। मैं डालूंगा ये देखें, ठीक है जी, ये अब हो गया सारा माल मिक्स अच्छे से। पानी इसके अंदर ऐड कर देना आपने, और ये पानी यही पियेंगे पानी। अब ये बहुत ही हैवी किस्म का गर्म हो रहा है, धूप बिल्कुल सर पे आई हुई है। हमारी सारी की सारी है मुर्गी कह लें या चूजा कह लें, जो कि हम लोगों ने अपने अंडों के लिए और गोश्त के लिए रेडी करना है। ये देखें सारे का सारा बाहर आ रहा है इस टाइम। ये चैलेंज के तौर पे लेके आए थे कि हम इनको पालेंगे, बारिशों की वजह से तकरीबन 3 से 4 पीस मेरे जाया हो गए इसके अंदर बारिशों की वजह से। जब सीन ये था कि मैं छोटे छोटे 20-20 गर्जन दिन के चूजे लाया था, तो तकरीबन महीने से 1.5 महीना हो चुका होगा, और हमने कहा कि यार सर्दियां आएंगी ना, अंडों वगैरह के लिए रेडी हो गई होंगी, गोश्त के लिए भी ये रेडी हो गई होंगी। लेकिन अभी हुआ ये कि मुझे एक आइडिया हुआ लाने के बाद, मुझे रियलाइज हुआ कि भाई फीड इस टाइम जा रही है 170 रुपए केजी, और दिन में 2 बार इनको फीड डलती है। एक बार ये खाते हैं 2.5 किलो फीड सुबह 10 बजे, 2.5 किलो फीड खाते हैं शाम को 10 बजे। ना डालना इनको मैंने शुरू किया तो मुझे इस चीज का आइडिया हो गया कि भाई ये उतने का ना तो गोश्त है, उतने के अंडे हैं जितने में ये बर्ड तैयार करके मुझे पड़ जाएंगे। फिर उसका एक आपके भाई ने लगाया जुगाड़, जो मैं तकरीबन 1 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और बर्ड्स की सेहत आप लोगों के सामने माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं। ये सारे साइजेस हैं, बीजों कुछ छोटे रह गए हैं, वो ये दोनों लाल जो है छोटे रह गए, बाकी सारों ने ग्रोथ बहुत अच्छी कर ली अपनी। ये सोचा कि यार अगर मैं खुद ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे चाहने वाले, मेरे भाई जो हैं, वो ये क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो आपको बताता हूँ मैं इनको डाइट क्या दे रहा हूँ, और उनसे इनकी ग्रोथ देखें कितनी अच्छी हो रही है, साइजेस बहुत अच्छे बना रहे हैं अपने माशाल्लाह से। दरअसल ये है माशाल्लाह से हमारी मुर्गियाँ, जो की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लेवल की तैयार हो रही है, और इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक हमारे पास ब्रीड करने भी लग जाएंगी इंशाल्लाह ताला। इनकी फीड में आगे दिखाता हूँ, तकरीबन फीड का रेट जा रहा है 170 रुपए किलो, बाजे का रेट जा रहा है 120 रुपए किलो, और अगर खाली मैं फीड इनको 2.5 किलो एक टाइम की काउंट करूं तो 450 रुपए की फीड बने, लेकिन उसको मैं तकरीबन एवरेज निकाल लेके हूँ 200 से 250 रुपए के अंदर। पहले से ज्यादा अच्छी डाइट मिल रही है और पहले ज्यादा अच्छी हेल्थ हो रही है। किस तरह से रेडी करता हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ट्रे है जो की हम लोगों ने लिया पार्क पैट जोन से। आप लोग पार्क पैट जोन से जाके उनका नंबर लेके उनसे कॉन्टेक्ट करके ये मंगवा सकते हैं अपने घर पे। बहुत ही काम की, आपका दाना जाया नहीं होता, स्पेशली कबूतरों के लिए 2 से 3 दिन तक चल जाती है, और ये बहुत ही मुझे इसमें आसानी पैदा हो गई है। ना इसमें से पानी बाहर आता है, ना इसके अंदर वो मीठे कर पाते हैं, और ना ही आपका दाना जाया होता है। बहुत ही सस्ता और बहुत ही मुनासिब कीमत के अंदर आपके चूजे पलेंगे, और आपको बहुत फायदा होगा, और आपको बस फायदा ही फायदा इसके अंदर, मतलब मजा आ जाएगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात कि आपका बर्ड डिहाइड्रेट भी नहीं होगा, पानी वगैरह जितना उसको चाहिए होता है, बर्ड बैठे रहते हैं पानी नहीं पीते, पानी पूरा पिएगा। ये हम डालेंगे पार्क पैट जोन से जो हमने ट्रे ली हुई है उसके अंदर, सही है। ये देखें ये हमारी आ जाएगी ऐसे फीड सारी की सारी इसके अंदर आ गई जी। अब एक बम्बू लेना हमने बाजरे का, सही है, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है, इस वजह से मैं प्रॉपर एक बार लेके नहीं जा सकता। ये है तकरीबन 35 से 40 चूजों की वन टाइम की डाइट, एक टाइम के लिए उनके लिए बहुत अच्छी डाइट है। ये एक बम्बू आ गया, ये देखें बाजरे का, इसके अंदर ये हमने डाल दिया एक बम्बू बाजरे का। इसको मिक्स करने के लिए 14 PS फिर से एक बार इसके ऊपर डाली जाएगी। मैं भी आपको डाल के दिखाता हूँ, ये देखें 14 PS फिर से एक बार एक और बम्बू इसके अंदर मैं डालूँगा। ये देखें, ठीक है जी, ये अब हो गया सारा माल मिक्स। इसको थोड़ा सा हिला लेना ताकि फीड और बाजरा मिक्स होके बैठ जाए एक जगह पे। अब ये हिला दिए, ये फीड और बाजरा एक जगह पे मिक्स होके बैठ गया। अब इसके अंदर ऐड करना है हम लोगों ने पानी, पानी भी मैं आपको दिखाता हूँ इतनी फीड के अंदर कितनी क्वांटिटी में आएगी। और ये रेशियो सारी मैंने खुद ही बनाई है, तो इस बर्तन के जरिए ये 2 बर्तन मैं ऐड करूँगा इसके अंदर पानी के। एक बर्तन ये देखें अच्छे से पानी इसके अंदर ऐड कर देना आपने, और ये पानी यही पियेंगे पानी। अब ये सही है, एक और बर्तन आएगा इसके अंदर पानी का। ये बर्तन उठाया और ये रहा इसके अंदर एक और बर्तन पानी का, बेहतरीन। थोड़ा सा और डालेंगे, 2.5 बर्तन हो गए। ये जी अब इनकी प्रॉपर फीड जो इन्होंने करनी है वो रेडी हो चुकी है।
और अब मैं आपको इनको डाल के दिखाऊंगा खाते कितने शौक से हैं ये। को मैं एक हाथ से उठा नहीं सकता तो ये मैं आपको डाल के रख के दिखाता हूँ। एक सेकंड वहां तक तो ले जाऊंगा, गेट खोलने में मुश्किल होगी। और फिर आपने देखना है कि ये खाते कितने शौक से और पीते कितने शौक हैं। पहले ये सारा इसका पानी पियेंगे, एक सेकंड ठहरने, बतखों से इसको बचाना पड़ेगा, तो बतखें सारे पे हमला कर देंगे। इसको गेट को खोलेंगे हम, इसको ऐसे उठा के ये देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये चेक करना। अब ये पहले पानी पियेंगे इसका, बाद में इसका दाना खाएंगे और स्पीड चेक करें यहाँ पे। अब आप बस देखते जाएं कि डाइट कितने अच्छे से ले रहे हैं, चूजों की सेहत हेल्थ और खाने की स्पीड चेक करें। अब मैं इधर बैठा हूँ, वो मेरे से डर के इधर आ नहीं रहे हैं, खा सारे रहे हैं, सही है। ये चीज़ देख लें, ये है तरीका इनको बहुत अच्छी ग्रोथ करने का, बहुत अच्छी डाइट देने का। देख रहे हैं पहले पानी पी रहे हैं सारे के सारे, जो इनको पानी की प्यास लगी हुई थी, जो इनकी पानी की कमी है जिस्म के अंदर, वो सारी पूरी होगी, उसके बाद ही अपनी खुराक लेना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी सारे के सारे बर्ड्स खाने पीने में लगे हैं, मैं बाहर जाऊंगा ताकि ये इजी होके खाएं। देखें मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, अब जगह ढूंढ रहे हैं। कोई बर्ड ऐसा नहीं जो नहीं खा रहा, कोई पानी पी रहा है, लाइक देखें कोई पानी पी रहा है, कोई जिसके मुँह में दाना आ रहा है वो दाना खा रहा है, जिसके मुँह में पानी आ रहा है वो पानी पी रहा है, वो दाना खा रहे हैं। मैंने कहा चलो इनको भी, बाकियों को भी दाना दोनों डाल दूं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले मैं इसको दाना डाल दूँ यहाँ पे मुर्गे को, ये बाहर से बतखें खा लेगी। अच्छा सीन ये है कि पाक पैक जोन से जो मैंने फीडिंग ट्रेस ली थी उसका फ़ायदा क्या हुआ है। फ़ायदा ये हुआ है कि भाई यहाँ पर मेरा जो दाना बाहर गिर के ज़ाया होता था, यहाँ जो बीन वाला दाना कबूतर खा के बीमार होते हैं, वो सारा ख़त्म हो गया। अब खाली अंदर दाना है, बाहर कोई दाना नहीं गिरा हुआ, सही है। तो ये मेरा एक मसला बहुत बड़ा हल हो चुका है। वापस चूजों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने कितनी फीड खाली है अभी तक। 10 मिनट हो चुके हैं फीड डाले हुए, और ये देख सकते हैं आप, फीड तकरीबन ऊपर वाली लेयर सारी खत्म हो गई है, नीचे जो जमीन पे रह गई है पानी और फीड वो रह गया, बाकी सारे का सारा इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। और ये पोर्ट अब मैं आपको इनके दिखाता हूँ, कितने ज्यादा फूले हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी भी खा रहे हैं। तो मैं आ गया तो भाग गए हैं ना, खा ही अभी भी रहे हैं। अब इनके पोर्ट चेक करें आप, देख ये अब इनके पोर्ट चेक करें, ये देखें इसका पोर्ट देखें, उसके बाद इसका पोर्ट देखें, इस वाले का देखें पोर्ट, ये वाले का सफ़ेद वाले का पोर्ट चेक करें, ये सारों ने अपने पोर्ट अच्छे से भर लिए हैं। ये देखें ये काले काले का पोर्ट चेक करें, अब कोई भी ऐसा बर्ड नहीं जिसका पोर्ट खाली हो, सबने पोर्ट अपने अच्छे से भर लिए हैं यहाँ पे। ये देख रहे हैं हर एक का पोर्ट फैला हुआ है। छोटी सी वीडियो थी, मेरा दिल था कि यार मैं कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूं, ताकि काफ़ी सारे दोस्तों को, काफ़ी सारे भाइयों को मेरी ज़ात से कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए। और उसका मतलब मैं सिर्फ दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कॉमेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हम लोग मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।